फिलहाल समय सिवान की टीम कंधवारा की शमशान घाट में है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कल जो इस महिला की लवारिस लाश मिली थी शौचालय की टंकी में से, उस महिला का आज जो है अंतिम संस्कार किया गया। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि उस डेड बॉडी की क्या स्थिति थी। इसमें एक महिला के लाश पैखाने की टंकी में, लैट्रिन की टंकी में मिलने की सूचना मिली है जिला प्रशासन सीवान को। संभवतः उस महिला के साथ बलात्कार करके उसकी बॉडी उसमें जो है बोरे में कस करके फेंक दी गई है। अपराध का केंद्र बना हुआ है सीवान जिला। काफी घंटों के मशक्कत के बाद उस बॉडी को निकाला गया और सीवान के सदर अस्पताल में वो बॉडी मौजूद है। अभी जो है उस बॉडी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, पोस्टमार्टम वगैरह की आगे की कार्रवाई संभवतः की जाएगी। अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं, तो ऐसी कहानियां देख करके जो है हृदय द्रवित हो जाता है और कहीं ना कहीं हम सोचने लगते हैं कि आखिर हमारा समाज कहां पहुंच गया है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सिवान। समय सिवान की टीम इस वक्त मौजूद है सिवान के फतेहपुर जो बाईपास है वहां पर, आदर्श नगर है। ये वाली जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पहला तल ही इसका बना है। इसमें एक महिला के लाश पैखाने की टंकी में, लैट्रिन की टंकी में मिलने की सूचना मिली है जिला प्रशासन सीवान को। कुछ स्पष्ट ऐसे नहीं हो रहा है, लेकिन महिला की लाश है। उसके बालों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो महिला की लाश है। 4 बजे के आसपास स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना दी थी नगर थाने को। उसके बाद से नगर थाने के जो पुलिस कर्मी हैं, वहाँ के अधिकारी हैं, यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और अभी जो है किसी तरीके का जो उस बॉडी को निकालने की अभी ऐसा कुछ सफलता नहीं पाई गई है। हालांकि जिला प्रशासन अपने तरफ से कोशिशें ज़रूर कर रहा है। इसमें बहुत सारी थ्योरी सामने आ रही है। कई लोगों का कहना है कि हो सकता है संभवतः उस महिला के साथ बलात्कार करके उसकी बॉडी उसमें जो है बोरे में कस करके फेंक दी गई है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जुआड़ी गजेड़ी लोग बैठते हैं, उन लोगों की ये कारिस्तानी है, उन लोगों ने ये इस अपराध को किया है। तो अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आप वो एरिया भी हम आपको दिखाएंगे। आप ये देख रहे हैं, ये जो दीवार है, ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं, इसी के ऊपर ये अभी निर्माणाधीन ये बिल्डिंग है। काफ़ी दिन इसका जो पहला तल बना करके छोड़ दिया गया है और इसी में वो लैट्रिन की टंकी है। लैट्रिन की टंकी में जो है एक महिला की लाश, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है। हालांकि हमारे कैमरामैन ने इन तस्वीरों को लिया है, जिन तस्वीरों को अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। निश्चित रूप से कि ये चिंता का विषय है। आसपास के जो लोग हैं उनमें भी काफ़ी जो है एक सनसनी फैल गई है और निश्चित रूप से अपराध का केंद्र बना हुआ है सिवान जिला। कैसे ये का मतलब कैसे पता चला यहाँ? देखिए, शाम को यहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं खेलने के लिए, वही आया तो दुर्गंध जो मिला उसके अनुसार मतलब जानकारी पुलिस को दी गई है। शाम में कितने बजे की? करीब 4:30 बजे का था। 4:30 बजे दुर्गंध आने की वजह से बच्चे जाकर के देखे? देखे, उसके बाद मोहल्ला क्या देखे उसमें? उसमें देखे यही कि मतलब बोरी में बॉडी लपटी हुई है। ठीक है, अच्छा। हाँ, बाल वाल लंबा, बाल वाल हल्का, बाल हबाल है, इसी से आशंका हो रहा है कि महिला है, महिला की लाश। तो यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं कि इसे जुआड़ी गजेड़ी आता है, सब बैठता है, सब ऊपर हुआ। अब तो पूरा मोहल्ला में कोई ना कोई आता जाता रहता है, तब इतना कोई नहीं ना देख सकता है। मैंने ऐसा, ये बात सही है, ऐसा है, आता है सब बाहरी लोग। बाहर काफी घंटों के मशक्कत के बाद उस बॉडी को निकाला गया और सिवान के सदर अस्पताल में वो बॉडी मौजूद है। अभी जो है उस बॉडी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, पोस्टमार्टम वगैरह की आगे की कार्रवाई संभवतः की जाएगी। क्या मामला है ये? तो मतलब बहुत ही दर्दनाक वाकया, मतलब शव को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मतलब किसी नौजवान महिला की वो लाश है। तो जब नौजवान महिला का लाश मिलने से ऐसा आशंका हमेशा बना रहता है कि जरूर उसके साथ रेप की घटना हुई होगी, चाहे वो अत्यधिक सोने चांदी आभूषण वगैरह पहनी होगी जिस कारण, या परिवारिक कोई कारण हो सकता है। लेकिन लाश बिल्कुल सड़ चुका है, अभी महिला की शिनाख्त नहीं हुई है कि आखिर वो महिला कहाँ की है, लेकिन लाश बिल्कुल सड़ चुका है। इतना बदबू आ रहा है कि मतलब हॉस्पिटल में रहना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल। हम लोगों ने देखा भी है और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं आपके स्क्रीन पे, ये जो उस एम्बुलेंस की तस्वीर है, बहुत मुश्किल से जो है
हमने और हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन ने इन तस्वीरों को लिया है। वहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल है, किस तरीके से जो है कीड़े जो है पूरे शरीर में पड़े हुए हैं, ये हम आपको ब्लर करके ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी तौर पर हम लोग लगे हुए हैं कि उस बॉडी का पहचान हो जाए। बाकी लावारिश हो चाहे वारिश हो, इस तरह का दर्दनाक घटना निंदनीय है। एक इसमें लास्ट बात ये बता दीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि संभवतः महिला के साथ जो है रेप का भी ऐसा मामला संभव है क्या? देखिए, जले पोस्टमार्टम नहीं हो जाएगा, जले डॉक्टर का रिपोर्ट नहीं आ जाएगा, पहले कोई व्यक्ति नहीं क्लियर कर सकता कि उसके संग क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। ये पोस्टमार्टम होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। उस महिला के साथ जो है बलात्कार की भी संभावना बताई जा रही है। बॉडी जो है बिल्कुल क्षत विक्षत स्थिति में है। आगे अनुसंधान का विषय है, जो भी पोस्टमार्टम के बाद और पुलिसिया जो कार्रवाई होगी, पुलिस अपने स्तर से जो इस केस की परतें खोलेगी, उसके बाद से जो है कुछ ठीक ठाक कहा जा सकता है। फिलहाल समय सिवान की टीम कंधवारा की शमशान घाट में है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कल जो इस महिला की लवारिस लाश मिली थी शौचालय की टंकी में से, उस महिला का आज जो है अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर हम बहुत कुछ बता नहीं रहे हैं, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि आप देखिए, आप इस जलती हुई चिता को देखिए कि ये चिता कैसे जल रही है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि इस चिता को कैसे जो है अंतिम संस्कार किया गया इस महिला का। क्योंकि कई बातें जो होती हैं वो शब्दों से परे होती हैं, शब्दों में उनको रचा नहीं जा सकता है, शब्दों से उनको बताया नहीं जा सकता है। निश्चित रूप से हृदय द्रवित होता है ऐसे सीन को देख करके, ऐसे मंजर को देख करके। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि उस डेड बॉडी की क्या स्थिति थी। कोई वारिस नहीं मिला इस बॉडी को, इसलिए सदर अस्पताल का के जो प्रबंधन के लोग हैं उन लोगों ने जो है अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर जो कंधवारा का जो शमशान घाट है, यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि अंतिम संस्कार में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। ये अभी बॉडी अभी जल रही है, ये अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जरूर गया है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। आप जरा सोचिए कि कितनी दुर्भाग्य की बात है कि एक महिला की बॉडी मिलती है, उसका कुछ पता नहीं होता है कि किन हालात में उसकी मौत हुई। शौचालय की टंकी में उस महिला की बॉडी महीनों से सड़ रही थी या हफ्तों से सड़ रही थी, ये भी नहीं पता। अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं, तो ऐसी कहानियां देख करके जो है हृदय द्रवित हो जाता है और कहीं ना कहीं हम सोचने लगते हैं कि आखिर हमारा समाज कहां पहुंच गया है।